हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं बॉलीवुड के सी। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपने देश के साथ साथ ग्लोबली भी अपने काम से लोगों के बीच में अपनी एक खास जगह बनाई है। आज पूरे देश में दीपिका पादुकोण की एक खास पहचान है और इसके साथ साथ ग्लोबली भी उन्होंने काफी नाम कमाया है। इस साल दीपिका पादुकोण ने कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत को रिप्रेजेंट किया था। कई हिंदी फिल्मों में अपने काम से लोगों का दिल जीतने के साथ ही दीपिका पादुकोण का हॉलीवुड फिल्मों में भी जलवा देखने को मिला है। इसी के साथ साथ दीपिका पादुकोण को एक बड़ा और खास मौका मिलने जा रहा है। दरअसल इन दिनों कतर में फीफा वर्ल्ड कप का खेल जारी है, जहां पर अब तक 6 टीमें क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह कायम कर चुकी है। 18 दिसंबर को फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल होने जा रहा है और इसी दिन बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण करेंगी। इस काम के लिए दीपिका जल्द ही कतर के लिए रवाना हो सकती है। तमाम लोगों से भरे स्टेडियम में दीपिका पहली बार अपने हाथों से फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी से पर्दा उठाएंगी। बता दें कि इससे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही भी फीफा वर्ल्ड कप 2022 में शिरकत करने के लिए पहुंची थी, जहां पर अपने परफॉर्मेंस से उन्होंने लोगों को खूब एंटरटेन किया। और नोरा फतेही के बाद में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत करने के लिए पहुंचने वाली है, जहां पर वो फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का अनावरण करने जाएंगी। दीपिका पादुकोण ने अपनी हर एक अदाओं से अपने फैंस को काफी इम्प्रेस किया है। दीपिका ने अपने फैंस को उन पर गर्व महसूस करने के ऐसे कई मौके दिए हैं और अब एक बार फिर से दीपिका पादुकोण अपने फैंस को खुश करने और उन्हें उन पर गर्व करने का मौका देने जा रही हैं। जब से ये खबर फैंस को पता चली है, तब से हर कोई इसी पल के इंतजार में है कि जब 18 दिसंबर को पहली बार दीपिका पादुकोण के हाथों उन्हें फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी को देखने को मिलेगा। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी एंटरटेनमेंट की और भी लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड केसरी।